हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट बिना घी के मिठाई। तो बिना घी के मिठाई कैसे बनाते हैं, फटाफट से बना के तैयार करते हैं। नमस्कार, संतोष किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ कुछ खास रेसिपी। तो आज मैं बिना घी मिठाई बना के और दिखाऊंगी। तो आज बनाएंगे बिना घी, बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी भी। तो फटाफट से बना लेते हैं। ये मैंने लिया है नारियल का बुरादा, तो नारियल पाउडर से बनाएंगे मिठाई। तो गैस पे कढ़ाई रख दी है, गैस ऑन कर दिया। तो डालेंगे इसमें चीनी, थोड़ा डाल देंगे पानी। तो उतनी चीनी ली थी, उससे थोड़ा कम पानी लिया है। तो इसको कर लेते हैं मेल्ट। तो चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई, इसमें डाल देंगे इलायची कुटी हुई। 3-4 मिनट पका लेते हैं। तो थोड़ा सा डालेंगे इसमें केसरी कलर, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। तो 3-4 मिनट हो गई, हमारे को चाशनी नहीं बनानी, चीनी को मेल्ट करना है। गैस को लो टू फ्लेम पे कर देंगे और डाल देंगे नारियल पाउडर। ये घर पे घिस के तैयार कर सकते हैं, जो ताज़ा नारियल की हम छिलका उतार के बनाते हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है मिठाई खाने में। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा 50 ग्राम मिल्क पाउडर और जल्दी जल्दी चलाएंगे, रुकना बिल्कुल भी नहीं है, जल्दी जल्दी मिक्स करना है। तो अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच मलाई। तो क्या है, बिना घी की मिठाई बना रहे हैं तो मलाई ज़रूर डालिएगा इसमें। मलाई को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लिया, 1-2 मिनट पका लेंगे। देखिए कढ़ाई के बिल्कुल भी नहीं चिपका, आप देख सकते हो। तो क्या होता है, कई बार घी घर में घी नहीं होता, ख़त्म हो जाता है, तो ऐसे सोचते हैं मिठाई कैसे बनेगी। तो हम बिना घी मिठाई बना के और तैयार कर सकते हैं। तो इसको कर लेते हैं ठंडा 5 मिनट। तो इसके लिए ले लेते हैं प्लेट, प्लेट में निकाल लेते हैं। 5 मिनट हो गए, ठंडा हो गया है बैटर। तो ले लेते हैं कटोरी और इसका मनचाहे फीस बना सकते हो, जैसी आपको पसंद हो। तो गोल जैसी भी, तो मैं आज इस शेप में बनाऊंगी। थोड़ा लेना है कोकोनट पाउडर, तो इसमें टिप करेंगे, इस हिसाब से बना के रखते जाएंगे। तो दूसरी भी बना लेते हैं। ये बहुत ही अच्छी लग रही है और खुशबू भी अच्छी आ रही है, तो बाकी बना लेते हैं। तो लीजिए कितनी सुंदर सी मिठाई बनके तैयार हो गई। तो एक मिठाई मैं तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही टेस्टी लग रही है। तो आप भी ज़रूर बनाएं मिठाई और तैयार कर सकते हैं बिना घी। तो आज की रेसिपी कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताएं। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नई नई रेसिपी आप तक पहुंच सके। आज के लिए थैंक यू।